है धरा तुम्हें बिलोकती, ये गगन तुम्हें निहारता। ये धरा तुम्हें बिलोकती, ये गगन तुम्हें निहारता। तूफान सीने में तुम्हारे, ये जगत माँ तुम्हें उचारता। आज का विषय है स्त्री, जगत को जन्म देने वाली के सम्मान में आज का दिन। तो बहा लाया हो समुंदर जैसे सुनहरे सीपी का मोती, बहा लाया हो समुंदर जैसे सुनहरे सीपी का मोती, ए माँ जो तू ना होती तो दुनिया रंगीन ना होती। कुछ स्त्री के ऐसे रूप भी हैं जो स्वयं को कष्ट में पाते हैं, उनकी व्यथा में दो शेर कि मरणाशन्य हुई धरती अब पछताए का होत है, मरणाशन्य हुई धरती अब पछताए का होत है, पहले तो चाहा बेटों को अब चिड़ियां चुग गई खेत हैं। एक और, सीने में दुख लिए घनेरे आँखों में अस्क रहते हैं, सीने में दुख लिए घनेरे आँखों में अस्क रहते हैं, मैं उठी भले आसमान तक लोग आज भी अबला कहते हैं, लोग आज भी अबला कहते हैं। स्त्री ये त्रिदेव की तरह सशक्त मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मा की तरह जन्म देने वाली, विष्णु की तरह पालन करने वाली और जरूरत पड़ने पर शिव की तरह संहार करने वाली भी है। तो उसके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि वो आदि से अनंत तक विद्यमान है। तो वो आदि है वो अंत है, शिव की तरह अनंत है। वो आदि है वो अंत है, शिव की तरह अनंत है। वो शमेकित है वो खंड है, वो वसुंधरा सी अखंड है। वो शांति दूत कपोत सी भी, वो शांति दूत कपोत सी भी, वो काली सी प्रचंड है। वो आदि है वो अंत है, शिव की तरह अनंत है। वो धूप है वो छांव है, वो नेह का एक गांव है। वो धूप है वो छांव है, वो नेह का एक गांव है। वो प्रात है वो रात है, वो हर नई शुरुआत है। वो जन्म से जीवन तलक तक सहनशीलता का भंडार है, वो जन्म से जीवन तलक तक सहनशीलता का भंडार है। वो निर्मल शीतल है सलिल सी, वो सृष्टि का आधार है, वो सृष्टि का आधार है। है अंबा भवानी नाम उसके, वो वज्र का सा प्रहार है, है अंबा भवानी नाम उसके, वो वज्र का सा प्रहार है। वो काल से है लड़ती रही, वो महिषासुर का भी संहार है। वो आदि है वो अंत है, शिव की तरह अनंत है। वो उन्माद है विषाद भी, वो महागौरी का वरदान है। वो माँ है बेटी बधु भी, वो जगत का उपसंहार है, वो जगत का उपसंहार है। वो लड़ रही है जन्म से अपने, वो लड़ रही है आप सबसे। वो लड़ रही है जन्म से अपने, वो लड़ रही है आप सबसे। क्यों वंदिशें क्यों लोलुप नजर तेरी, क्यों वेदना से भर दिया, क्यों वेदना से भर दिया। वो आंगन की तुलसी सी थी कोमल, क्यों क्रांतिमय उसे कर दिया, क्यों क्रांतिमय उसे कर दिया। वो आदि है वो अंत है, शिव की तरह अनंत है। कभी देह तो कभी पौरुष ने तेरे उसके नारी होने का अपमान किया, कभी देह तो कभी पौरुष ने तेरे उसके नारी होने का अपमान किया। पुरुष प्रधानता लिए हाथ में तुमने, बोलो कब तन मन से उसका साथ दिया, बोलो कब तन मन से उसका साथ दिया। वो आदि है वो अंत है। कुछ पंक्तियाँ और जो समाज के उस तबके के लिए हैं जो खुद के अति आधुनिक होने का दिखावा तो करते हैं किंतु आज भी मध्यकाल के उस कोने में बैठे हुए हैं जहाँ नारी की दुर्दशा हुई थी। दिल जमीर से लड़ रहा है, दिल जमीर से लड़ रहा है, मन कुंठा की खाइयों में है। जल रही है आत्मा न जाने क्यों, सांसें किस उधेड़बुन में है। गलती नहीं है शायद तनिक भी, किंतु समाज का संज्ञान अपराध है ये। एक लड़की की लड़के से दोस्ती, आज भी कलह है फसाद है, आज भी कलह है फसाद है। कहीं दूर से अकेले आते देख, उसने घर छोड़ देने को पूछा मुझसे, मैंने मेरी नजरिए से हाँ कर दी, मैंने मेरे नजरिए से हाँ कर दी। मैं बैठी थी दोपहिए पर, उसके घर जाने की उत्सुकता थी मन में बस। लोग क्यों कसौटती नजरों से देख रहे थे, कोई अंदाजा लगाया होगा शायद मेरे प्रसन्न चेहरे को देखकर। मुझे बेहया बेशरम बदचलन से तमाम रोचक नाम दिए होंगे इस बात पर।
घृणास्पद नजरें उनकी फुसफुसाती बातें, घृणास्पद नजरें उनकी फुसफुसाती बातें न करने वाले अपराध का अपराध बोध करा रही थी मुझे, अपराध बोध करा रही थी मुझे। थैंक यू।